Kurkure and Lloyd AC's co-presents High Fever Dance Ka Naya Tevar, powered by Goodnight Active Plus. India, इस हफ्ते की वोटिंग लाइंस बंद है, इसलिए पिछले हफ्ते के वोट्स और जजेस के परफेक्ट 100 के स्कोर्स को मिलाकर नेक्स्ट वीक के एलिमिनेशन का फैसला लिया जाएगा। और अभी विदाउट कोई डिले के बुलाते हैं हमारी पहली फीवर जोड़ी को। जिंगाट गाने स्पेशल में परफॉर्म करने आ रही है वो फीवर जोड़ी जो यहाँ तक पहुंची है 14 बार गोल्डन हैमर जीतकर। जोरदार तालियां हो जाए आरएलए माँ के जुड़वा लाडले फ्रॉम पुणे आकाश और सूरज। ये आकाश और सूरज सुपर्ब यार, व्हाट एनर्जी यू गाइस हैव। आप एक्सप्रेस कर रहे थे, आप में वो एटीट्यूड था, वो कॉन्फिडेंस था जो चेहरे पे झलक रहा था इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। आपने तीन लेवल का एक कार्टविल किया है, फैंटास्टिक यार। आई थिंक इट वाज अ फ्लॉलेस परफॉर्मेंस। थैंक यू सो मच सर। आई फील इट वाज आकाश सूरज बैक इन एक्शन। एक शेर था तो एक बब्बर शेर। एक तूने बी ट्विस्ट मारा, वेरी नाइस। नी स्लाइड वाज फैंटास्टिक। वो सिंक बहुत प्यारा था दोनों का। एक बनी अप लिया हाथ पे, फैंटास्टिक। विंडमिल मारा दोनों ने, ओल्ड स्कूल जिसे हम कहते हैं एयर फ्लेयर, बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड फाइनली एंड नॉट द लीस्ट द टायर ट्रिक। Everything were fever moves and the tire was the fever stroke. Thank you so much. आकाश एंड सूरज ये मेरे लिए ना देसी बॉयज ही है। जब ये आए थे छोटे से शहर से, छोटा शहर था पर सपने बड़े थे। एंड ये ऐसे खिलाड़ी है, इनको मैं कभी भी बैटिंग पे डाल दूं ये जीत के ही आएंगे। Thank you so much, sir. आकाश सूरज आपका नाम है, आप वो ऊंचाइयां छुओगे। यस सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। खतरनाक यार आकाश सूरज। थैंक यू सो मच सर। बहुत डेडिकेटेड लगते हो, तुम्हारी आंखों में झलकता है वो डेडिकेशन। बहुत बढ़िया यार, बहुत। थैंक यू सो मच सर। फर्स्ट टाइम आई हैव टू से, आज आप दोनों की परफॉर्मेंस वॉज सो मच फायर ऑन स्टेज कि आज मैं ब्लश कर रही थी जब आप दोनों देख के मुझे फ्लर्ट कर रहे थे, इशारे कर रहे थे।
blushing. I was like, hey, these are my boys and they are bad guys. It's not easy. Industry ke two hottest men are in this song. You know, Akshay Kumar and John Ibrahim. You both are stars of this song and this stage. I think this was a high fever performer. Prakash Suraj, aapko is zingaat performance ke liye milta hai dance ka golden hathoda. हम जिंगार गाने स्पेशल सेलिब्रेट कर रहे हैं वो सॉन्ग जिससे दिल में थोड़ा करंट आए कुछ तरंगे उठे है ना सलमान आई हैव अ लिटिल जिंगार सरप्राइज फॉर यू मी प्लीज हैव अ लुक क्या यार सरप्राइज फॉर सरप्राइज एवरी वीक सलमान मेरी एक फैमिली मेंबर के जैसे मैंने सलमान की पूरी जर्नी देखी मेरी लाइफ में मैंने कभी ट्रॉफी नहीं जीती थी और मेरा पहला ट्रॉफी जो मैंने जीती है वो एक रियलिटी शो में जहाँ पे सलमान एज अ कंटेस्टेंट थे इंडिया का सबसे बड़ा डांसिंग स्टार है सलमान वो मोमेंट जो था जब नाम अनाउंस हुआ सलमान का इट वाज अ बिग मोमेंट मेरी जीत हुई थी क्योंकि मेरी टीम से सलमान आप जीते थे वहाँ से अपनी मेहनत से वो आगे बढ़े हैं एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड दैट यू सिटिंग नेक्स्ट टू खान साहब ये दोनों का मेरी लाइफ में बहुत बड़ा हाथ है इंडस्ट्री में लाने वाले खान सर एंड मुझे पहचान दिलाने वाले सलमान आई होप कि इसी तरीके से आपकी जर्नी आगे बढ़ती रहे एंड बिकम बिग स्टार वन डे यार ये सरप्राइज तो मेरे लिए भी हो गया मेरे पास सर लाइफ में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आए हैं जब I've stood on the road and I've called Remo sir. और वो आए हैं लिजल मैम के साथ रोड पे मुझे हेल्प करने के लिए सर देर हैव बीन टाइम्स लाइक दैट मैं कभी भी उनके घर में नहीं पाया जाऊंगा उतना ज़्यादा पर कसम खुदा की सर जब भी आपको ज़िंदगी में ज़रूरत रहेगी ना मेरी सर मैं वहाँ खड़ा रहूँगा सर कुछ भी हो जाए जब तक जिंदा हूँ बिकॉज मैं जब ये रियलिटी शो जीता था everybody knew me from the biggest of actors from Salman bhai to Shahrukh bhai everybody knew me by name बट उसके बाद क्या चैनल ने दूसरा शो खड़ा कर दिया दूसरे कंटेस्टेंट्स आने लगे आई वॉज जीरो तीन महीने के लिए रेमो सर ने मुझे अपने घर पे रखा था मुझे एक बड़े भाई की तरह साया दिया उसके बाद मैंने रेमो सर को असिस्ट किया क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता था आई सेड सर मुझे सीखना है मुझे कैमरा वर्क सीखना है मुझे बिहाइंड द कैमरा सीखना है लर्न व्हाट इज फिल्म मेकिंग तो सर ने मुझे फालतू में एज एन असिस्टेंट रखा एवरी टाइम आई डू एनी वर्क सर इज ऑलवेज बीन देयर एज अ गाइडेंस वन कॉल अवे आज तक उससे ज्यादा मैं कुछ जिंदगी में चाहता भी नहीं सर मैं सिर्फ चाहता हूँ कि वो जो मोहब्बत है सर की वो जो इज्जत है सर के दिल में मेरे लिए वो मेरे मरते दम तक बरकरार रहे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दिया है इतना प्यारा भाई दिया है सर यू नो व्हाट आई एम लॉस्ट विथ वर्ड्स यार आई डोंट नो व्हाट टू से सर आई लव यू सो मच टिल डेथ सर आई लव यू सर आई लव यू सो मच टिल डेथ सर आपका जिक्र रेमो सर के जबान से इतनी बार निकलता है पता नहीं आपके सामने निकलता हो कि नहीं ही हैज़ ऑलवेज लुकड अप टू यू सर एज अ मेंटर एज अ स्टैंडर्ड सेटर कि अगर अहमद सर ने किया है तो मुझे भी वो करना है यू हैव ऑलवेज बीन दैट बेंचमार्क फॉर हिम मैं आज उनका 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 प्रोडिजी में रहकर मैं शायद रेमो सर ये ना कह पाए पर मैं आपको कहना चाहता हूँ थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच रास्ते खोलने के लिए हम सब के लिए थैंक यू सो मच क्यों अच्छे लोग बनते हैं दुनिया में आई जस्ट फील दैट लाइक रेमो लाइक दीज बॉयज तुम लोगों ने इतना नाम कमाया यू नो कि यू डोंट नीड टू डू दिस तुम लोगों को ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें किसी का शुक्रगुजार होना बट वो तुम लोग इसलिए करते हो बिकॉज ये एक पीढ़ी है सरोज जी से हम सब शुरू हुए एक्चुअली यू आर द लीनिएज ऑफ अ वेरी बिग गुरु सरोज खान तो ऐसे ही तुम लोग नहीं बन गए हो जो बन गए हो मैंने उनसे सीखा हूँ जितना भी सीख सका सरोज जी से 10% वो गुरु
यू नो हीरोइंस जब नाचती थी सरोज जी के सामने तो मैं बहुत छोटा था, I was 16. She knew my mother. मेरी मम्मी ने कहा कि मेरे बेटे को इंटरेस्ट है डांस में थोड़ा, तो कुछ दिन के लिए भेजती हूँ, टाइम पास करेगा, घर आ जाएगा. मैं भाग जाता था, बहाने बना के घर चले जाता था. She used to come to my house. चल शूटिंग पे. And then she trained me. उसके बाद मैं कैमरा वर्क सिखाऊं, जो मैं रेमो को सिखा पाया, रेमो आप लोगों को सिखा पाया, सरोज जी की देन. उसके बाद मैं कंडक्ट करना सिखाऊं, जो मैंने रेमो को सिखाया, रेमो ने आप लोगों को सिखाया. उसके बाद मैंने सीखा हूं कि व्हाट इज अ डांस डायरेक्टर, जो मैंने रेमो को सिखाया, रेमो ने आप लोगों को सिखाया. बात करें रेमो की, रेमो वो लड़का है, उसकी जबान नहीं है. कई बार मैं रिहर्सल्स पे आता था एंड आई टू सी द सॉन्ग इज कोरियोग्राफ, और मैं देखता था गाना कोरियोग्राफ हो गया, बहुत अच्छा हुआ. अब मैं गुस्से से पूछता था किसने किया, तीन लड़के हाथ ऊपर करते थे, रेमो हाथ ऊपर नहीं करता. बाद में मुझे मालूम पड़ता था 90% रेमो ने कोरियोग्राफ किया, और 10% उन्होंने कोरियोग्राफ किया जिन्होंने हाथ ऊपर किया. भले जबान से नहीं कहता हूँ, जैसे मैं हर वक्त कहता हूँ, मुंह से मत मारो, हाथ से मत मारो, काम से मारो, वो लड़का काम से मारता. डेफिनेटली ये जो लीनेज है, वी आर द सरोज खान्स लीनेज, इंशाल्लाह वी विल नेवर गो रॉन्ग, बिकॉज उन्होंने हमें हिफ्स करा दिया हमारा काम. आवर वर्क इज हियर, इट्स इनसाइड यू, यू नो, सो इट्स बेसिकली जस्ट दैट. यार जिंगार्ड गाने स्पेशल में परफॉर्म करने आ रहे हैं वो जिनका एवरीडे को लकी डे बनाना है उसूल. तो जोरदार तालियां हो जाए प्रेजेंटिंग मुंबई से तेजस और देहरादून से अंशुल. अंशुल भैया, अब तक इतने सारे लड़कियां पटाई है पर कोई पटी नहीं, ये नवाब जाते हीरोइन पे ट्राई करेगा? अरे तेजस, तू पागल है क्या? ये नवाब लोग बहुत तगड़े हैं, हमें मारेंगे. कौन? वो धर्मेश सर. अरे उनका स्टाइल तो मुझे भी आता है, ये देखो. छोड़ो ना भैया, वो डर के मारे आज आए भी नहीं है. अपुन अपने स्टाइल में करते हैं. मेरी बात तेरी बात ज्यादा बात है बुरी बात, थाली में कटोरा लेकर आलू भात मुड़ी भात, मेरे भी जो किसी ने राघव सर. उनका स्टाइल तो बहुत इजी है, ये देखो. रहने दो ना भैया, अपन अपने स्टाइल में ही स्लो करते हैं. बॉलीवुड बॉलीवुड वेरी वेरी जॉलीवुड, राय के पहाड़ पर तीन फुटा लीली फुट, मेरे पीछे किसी ने रिपीट किया तो सारा मैंने तेरे मुंह पे मारा मुक्का. के मनवे से खुद को मोड़ना जानना, जिद पकड़ के खड़ा है कमबख्त छोड़ना जानना. अंशुल भैया, वो तीसरे पता है क्या? पुनीत सर.
बॉडी से डांस करते और ये उंगलियों से डांस करते, ये देखो। ऐसा भी कोई स्टाइल होता है क्या? कुछ भी। चलो अपने स्टाइल में जलवा करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, इनकी हीरोइन इनके लिए छोड़ देते, बिचारों को मुंह गिर गया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ऑल द बेस्ट नवाबजादे और ईशा, मैम आई एम स्टिल अवेलेबल। क्या बात है यार, ये बनता, ये बनता। राघव ब्रो, यार तुमने तो बिल्कुल यार शक्ल छुपाने लायक नहीं रखा हमें तो यार इस एक्ट में यार। तुम्हें ईशा भी चाहिए, ईशा भी चाहिए तुम्हारी मूवी। हमारी मूवी की जो हीरोइन है उसका नाम भी ईशा ही है। अंशुल आप देहरादून से हो, कहाँ से हो? नेहरू ग्राम 6 नंबर पुलिया। 6 नंबर पुलिया, अरे भाई जी सॉरी। वो अंदर एकदम देहरादून वाला वो आ जाता है जैसे कोई बोलता है 6 नंबर पुलिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, तुम लोग एक भंडार हो एनर्जी का यार। थैंक यू सर। थैंक यू। बेहतरीन, मजेदार, उम्दा, अविश्वसनीय। सही है। तेजस, अंशुल आप लोग बहुत टैलेंटेड हो, आप बड़े बड़े पावर मूव्स करते हो और फिर एकदम स्वैग के साथ छोटा सा एक मूवमेंट करके निकल जाते हो, चाहे वो बदतमीज दिल वाला हो या ये वाला स्टेप हो। ओवरऑल आई थिंक यू गाइज आर पावरफुल, आगे आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है एंड ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सर। जिंगार्ड स्पेशल आज का यार, मुझे लगता है कि आपके एक्ट ने टॉप कर दिया यार। थैंक यू सर। हर स्टेप इतना क्लीन था, आपका एग्जीक्यूशन वाज इतना एफर्टलेसली डन, दिस वाज फ्रॉम द टॉप टू द एंड अ ब्लॉकबस्टर हिट फॉर मी, दिस वाज फैंटास्टिक। थैंक यू सर। आज आप दोनों इस गाने पे इतने भारी पड़े हो, इतने भारी पड़े हो, जेन्युइनली मैं रणबीर को भूल गया था। थैंक यू सर। आई कुड सी यू टू डूइंग सो मेनी पावर मूव्स। थैंक यू सर। एंड जितने लाफे पड़े हैं, हर लाफा आई एंजॉयड। देन तूने एक फ्लोर वर्क किया अंशुल, देन यू केम टू जिद पकड़ के, जो हॉरिजॉन्टली पैर पकड़ के ये छोटू लटका था, हिज कोर इज सो स्ट्रॉन्ग मैन, दैट वॉज अ फीवर स्ट्रोक। थैंक यू सर। सो टोटैलिटी में इट वॉज अ फुल ऑन एंटरटेनमेंट परफॉर्मेंस फॉर मी। थैंक यू सर। मैं तो पहले ही पट गई थी और कितना पटाओगे यार, मुझे वैसी दिल जीत लिया मेरा। बट गाइज फ्रॉम माई हार्ट मैं चाहती हूँ आप दोनों को फाइनल में देखूँ, बिकॉज दिस परफॉर्मेंस फ्रॉम बिगनिंग टिल द एंड वॉज इलेक्ट्रीफाइंग, इट वॉज एनर्जी। थैंक यू मैम। तो जजेस, वाज इट अ हाई फीवर परफॉर्मेंस? ये लोग ने स्टेज पे इतनी बदतमीजी की है कि आई हेट यू because this was a high fever performance. Kya baat hai! Hey, hey, hey! Congratulations Tejas and Anshul. This was a perfect 100. Aapko milta hai dance ka golden hathoda. Are bomb de de
राघव सर, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हाँ बोलो। आप तो स्लो मोशन के किंग हो, तो जब भी आपको सुसु आती है, आप सुसु भी स्लो मोशन में करते हो क्या? बड़ा सुसु और लूज मोशन स्लो मोशन में नहीं होते। जो दूसरा क्वेश्चन है वो है सलमान सर और पुनीत सर। सर आपने ABCD 1 मूवी की है, उसमें बेजुबा गाने में आप बारिश में नाचते हो, तो भाई आपको सुसाते हो, आप बारिश में गिल्ले इसमें कर देते हो कि कट करके कर देते हो? बिंदास, हम लोगों को थोड़ी ना टाइम मिलता था। पुनीत को याद है, ग्रीन रूम बहुत दूर था। नहीं, बहुत दूर था और ठंडी का मौसम था। एग्जैक्टली 6 दिन बैक टू बैक शूट किया वो गाना। बारिश रुकने रहती तो उड़ा तो उड़ा सब पे। हम लोग को रेमो सर ने बोला भी है, पानी मुंह में लो और करो। सोचो, ठंडी थी ना, ठंडी बारिश भी हो रही थी तो कुछ तो गर्म चाहिए। राघव भैया, हाँ बेटा, मुझे भी आपको कुछ कहना है। हाँ? मेरे से बड़ा आपका कोई एक फैन है, वो मेरी मम्मी। अरे आपकी बहुत बड़ी फैन है। प्रणाम। हाँ मैं मिलता हूँ ना उनसे जाके, रुको। कैसे हैं? अच्छा अच्छा, आओ स्टेज में आ जाओ। आपके लिए कुछ लाई हूँ। क्या है ये? मोमोज। ओए होए, क्या ओ वाओ वाओ। हे खाओ पियो मस्त रहो, रहो मस्त रहो, कल का सोचना ये अंत करो, करो तो आज का प्रबंध करो। वाह आंटी, मजा आ गया। मैं आऊंगा, हर बार मोमो खिलाते रहो आप हमें, और घर में मिलूंगा आपको, मम्मी पापा सबको लेके आऊंगा मैं अच्छे से मोमो, और मोमो की चटनी भी अगर मिल जाती लाल वाली। थैंक यू राघव, थैंक यू सो मच गाइस। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैं स्टेज पे आके कहना चाहता हूँ। हाँ, ये शो रिश्तों का शो है और इस शो में लेटर आते हैं एंड दिल से बात करते हैं, वो सब चीज़ें होती है, तो मैं दिल से सिर्फ दो शब्द कहना चाहता हूँ ये शो को, वो है थैंक यू। हाउ स्वीट। थैंक यू ईशा, थैंक यू सलमान, थैंक यू अहमद सर, थैंक यू कंटेस्टेंट्स, थैंक यू ऑडियंस, एंड सबसे इम्पोर्टेंट मैं दिल से कहना चाहूँगा थैंक यू माई टीम। क्या बात। मैं चाहता हूँ टीम इधर स्टेज पर है। एक बार टीम पुनीत के लिए जोरदार तालियां। टीम पुनीत ऑन स्टेज प्लीज। डांस की कुल्फी है, रिश्तों की मीठी भी है, क्या बात है, जिगा के खेल है, बस डांस से बनता मेल है। बहुत टैलेंटेड है यार सब लोग, बहुत टैलेंटेड है। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां हो जाए टीम पुनीत के लिए। चलो, थैंक यू सो मच पुनीत सर। तू बहुत ट्राई मार रहा ना ईशा पे, तो खूबसूरत चीजों पे अपना हक जताना मेरा काम है। तो हर खूबसूरत हर टेस्टी चीज पे मक्खी लगती, तो तुम वो मक्खी की तरह। बेटा कंपटीशन बढ़ रहा है तेरे लिए। अच्छा, बिकॉज इस खूबसूरत कन्या के लिए दो खूबसूरत नवाब ज़ादे भी आए हुए हैं। किधर है? अगर आप नवाब ज़ादों को एक मौका दिया जाए, हाँ, 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 कि ईशा को प्रपोज करना है, कैसी बात, रोमांटिक स्टाइल में, नेकी और पुछ करोगे? ईशा गुप्ता, पुनीत एंड राघव के लिए। सुर्ख वाला, सोज वाला, फैज वाला लव, होता है जो लव से ज्यादा, वैसे वाला लव, इश्क वाला लव। हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ, इश्क वाला लव। ये क्या हुआ है, क्या खबर, यही पता है ज्यादा हुआ, इश्क वाला लव। अगर मुझको भी हुआ है फिर भी मुझको ज्यादा हुआ, इश्क वाला लव। पहली बार टूटी है आंखें, बोल के मैंने देखी है सुबह, ज्यादा लेके रोशन।
क्या बात है, देखा? वाओ, अभी पुनीत की बारी। म्यूजिक। बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना। Oh my God, इसे कहते हैं रोमांस। And what good use of prop? बेटा तू प्रॉप बन गया है इन लोग की मोहब्बत में। अब इतना उदास मत हो नवाब जादू, मौका दे दे इसे एक। हाँ हाँ, please, है ना? मूड लाइटिंग जरूरत नहीं है इसके लिए। एंड म्यूजिक। जादू ने क्या इश्क फरमाया, तालियां दीजिए प्लीज। चलो चलो चालू रखो, चालू रखो, चालू रखो। अब जिंगाड गाने स्पेशल में परफॉर्म करने आ रहे हैं भोले गुरु के साथ उनकी टैलेंटेड शिष्या। जोरदार तालियां हो जाए प्रेजेंटिंग लुबावनी लावनी के नए लेजेंड फ्रॉम महाराष्ट्र आशीष और ऋतुजा। नवाब जादू की इस महफिल में आपको पेश करते हैं दिल से दिल तक पहुंचने वाला ये नजराना। इश्क वालों से न पूछो कि उनकी रात का तन्हा कैसे गुजरता है, न हो जिसका मिलने की फरियाद करता है। सलामी इश्क मेरी जान, जरा कबूल कर लो। सलामी इश्क मेरी जान, जरा कबूल कर लो। तुमसे प्यार करने की
कैसा लगा ये नजराना? खतरनाक यार। वाह। जोरदार तालियां हो जाए आशीष और रुपचा के लिए। हमेशा ही बोलती हूँ कि ऋतुजा को देख के मुझे शर्म आती है जब वो वैसे नज़ाकत और वो नटखट हरकतें करती है, बट आशीष प्लीज़ आप जब मैं हूँ तो कभी आप लड़की दोबारा मत बनिएगा, क्योंकि अब तो आपको देख के भी शर्म आ रही है यार, क्या किया आपने? ऋतुजा, यू नो आई ऑलवेज लव यू, बहुत प्यार है मुझे आपसे, बट आशीष मेरी नज़र आपके ऊपर से हटी नहीं और आई लव यू। लव यू टू। सुपर। ओवरऑल वेरी नाइसली डन द एंटायर कॉन्सेप्ट, कोरियोग्राफी बहुत अच्छी थी एंड सलाम इश्क मेरी जान एक ऐसा गाना है जो आगे भी सदियों तक चलता रहेगा, बिकॉज दैट्स अ सलाम ऑफ जो भी इश्क में होता है उसके लिए। एंड आशीष आज वाकई में तुमने जो भी डांस किया वाकई में मुझे थोड़ी थोड़ी सरोज जी की झलक नजर आई एंड क्या बात है। आई वुड लाइक टू कॉल यू आशीष सर आज के बाद से। वाओ दैट्स बिकॉज सर आपने जो किया है बड़े बड़े अदाकारों को करते हुए देखा है, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट दैट नज़ाकत। मैंने आज तक जिंदगी में ट्राई नहीं किया है, आगे चल के करना चाहूँगा, बट आई एम स्केर्ड कि मैं जस्टिस नहीं कर पाऊँगा। एंड मुझे लगता है कि आज तक 10 साल हो चुके हैं डांस रेवोल्यूशन का इंडिया में आए हुए। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम बहुत सारे वेस्टर्न स्टाइल्स को लेकर आगे चल कर जीतते हैं। देयर इज़ नॉट येट वन क्लासिकल डांसर हु इज़ वन अ रियलिटी शो एंड आई जेन्युइनली फ्रॉम माई हार्ट फील यू शुड विन दिस शो यार। थैंक यू गाइस, दैट्स व्हाट वी विश। आशीष भाई आई लव यू। आई लव यू टू। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ यार, आपको क्या भाव महसूस हो रहा था उस वक्त जब आप कर रहे थे इस शो में? मैंने बहुत सारे कॉस्ट्यूम ड्रामा पे काम किया है, तो ये पोशाक में आज मैंने खुद से सिर्फ एक गहरी सांस ली और कहा, आशीष गेट दैट रेखा इन यू एंड गेट दैट माधुरी इन यू। मतलब छोड़ो स्टेप्स और इसको, बट वो जो ग्रेस आता है दैट शुड विन द हार्ट। तो खुद को मैंने गहरी सांस ली कि Ashu and I get myself wow. that zone. Wow. Wow. Ashu. मैं एक ही चीज बोलूंगा यार, you were living truthfully in that imaginary situation of yours. Thank you so much, Raghav. गजब यार। ऋतुजा आप इधर आए, आपने इधर दिल पे वार किया, आपने ऐसा करके जो मेरे को देखा और वो एक एक मूवमेंट छोटा छोटा ऐसा बड़ा बड़ा आकर दिख रहा था यहाँ। गजब यार, जोरदार तालियां। अहमद सर क्या होता है, हर हफ्ते हम लोग, मेरी जो टीम है वो कोरियोग्राफ करती है सब कंटेस्टेंट्स के साथ, तो हर एक को मैंने डिवाइड किया हुआ है कि तुम्हारा डिपार्टमेंट ट्रॉन ब्रदर्स है, तुम्हारा तारा निशा है, यू नो दैट वे। आशीष ऋतुजा को मैंने दिया ही नहीं,
Because Ashish Rituja's choreographer is Ashish. Oh! Oh! Wow! Ashish ka is kshetr mein jo pakad hai, I don't think kisi aur ki hai. He knows the art of performing and more importantly, uske paas ek kala hai ek act ko choreograph karne ke liye. Jo Ashish bahut achhi tarike se karte hai. Kya baat hai yaar? That's it. So, judges, kya is performance ke liye aap teenon ki sehmati se Ashish Rituja perfect 100 ka score lekar jayenge ya nahi? Everything was nice. The only problem is that the beginning ke jo aapke sync out hue, that is not accepted agar aap dono kar rahe ho. That's why I feel today it was not a high fever performance. So next time, please be careful. Yes, sir. Okay, yes. And all the best, yeah. Thank you so much, sir. Thank you, judges. Thank you so much, sir. So, main kuch kehna chahunga. Please. Maine dekha hai Raghav bhai ne bhi ek show mein Lavani perform kiya tha. क्या बात है? बहुत ही ब्यूटीफुल किया था ग्रुप के साथ, मुझे याद है. और पुनीत भाई ने कभी नहीं किया मुझे लगता है. तो मैं चाहता हूँ कि आज आप दोनों प्लीज आए और मुजरा का थोड़ी सी अदा हमारे साथ करें. क्या बात है? बस वो दोनों नवाबजादे क्यों, ये दो नवाबजादे जो मेरे बाजू में बैठे उनका क्या होगा? प्लीज यार, प्लीज यार. Esha, this is good, right? Yeah, who is this? Color will match from the top. Look at his life. Wow, he's going to do this. यार आज का ये एपिसोड इज वन ऑफ दोज एपिसोड जो जहन में रह जाएगा बिकॉज आई एम सिटिंग विथ टू जेम्स जो मतलब इंशाल्लाह दे आर द फ्यूचर बॉलीवुड यहाँ है सो थैंक यू किड्स फॉर कमिंग
and doing a fantastic job on this panel with us. Thank you, sir. Thank you. In the air, to look at me just on a man.